मुंह से ब्लड आता था। और कितने दिनों से ब्लड आ रहा था आपका? करीब एक 15-20 दिन से ऊपर हो गया। सोने के बाद भी आता था। सोने के बाद आएगा तो वो तो मुंह के अंदर जाएगा? हाँ, नहीं वहीं पर अटका रहता था। अच्छा, और जैसे मैं उठता था तो लगा कुछ फंसा हुआ है तो निकलता था तो ब्लड निकलता था। यानी रात को भी ब्लड आता था, दिन को भी आता था, और ब्लड तो कंटिन्यू था। इन्होंने जब मेरे पास आया तो इन्होंने काफ़ी चीज़ बताया था, सोने के बाद मुंह से ब्लड आना, दिन में भी एक दो बार ब्लड आ जाता था, वजन घट रहा था, खड़े होने के बाद चक्कर आते थे, पेट में दर्द था, और ये सारी प्रॉब्लम इनकी ठीक हो गई। पहले रोटी खाने पर शरीर बिल्कुल ठंडा हो जाता था, अब कितनी रोटी खाते हो सर? अब 4-5 खा लेता हूँ और कोई प्रॉब्लम। पहले एक रोटी में शरीर ठंडा पड़ना, अब 4-5 रोटी, सच बोल रहे हैं? आप अपना नाम बताओ जी। धनिकलाल महतो। धनिकलाल महतो, रहने वाले कहाँ के? बिहार का। बिहार में प्रॉपर एड्रेस दो जी। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, ग्राम पंचायत कुलहरिया, ग्राम चक्रघट्टा। मधुबनी जिले से हो? पंचायत कुलहरिया। कुलहरिया पंचायत आपका? ग्राम चक्रघट्टा। ग्राम चक्रघट्टा। देखो एड्रेस पूरा इसलिए दिया कि आपको घर तक पहुँचने में कोई दिक्कत ना आए, और बाद में इनकी फ़ोटो यानी कि वीडियो के साथ इनके घर तक पहुँचा जा सके। इन्होंने भी ऐसी ऐसी बातें आज बताई है कि उसमें भी आपको मेरी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना? क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने के पीछे इसमें कोई मकसद नहीं होता अपना, हम ये चाहते हैं कि लोग घर पे ही ठीक हो जाए। समस्या इनको थी, बहुत बड़ी समस्या थी, और वो बड़े सरल तरीके से इनको ठीक हुई है। तो आप अपने बारे में स्वयं बताएँ कि आपको क्या दिक्कत हुआ और कहाँ कहाँ देखे आपने इलाज कराया। मैं तो सबसे पहले 16 सेक्टर का हॉस्पिटल में गया। क्यों गए, दिक्कत क्यों हुआ? वहाँ मुंह से ब्लड आता था। और कितने दिनों से ब्लड आ रहा था आपका? करीब एक 15-20 दिन से ऊपर हो गया, तो मैंने चेकअप कराने गया, और सोने के बाद भी आता था। दिन में तो आता ही था, सोने के बाद भी आता था। सोने के बाद आएगा तो वो तो मुँह के अंदर जाएगा? हाँ, नहीं वहीं पर अटका रहता था। अच्छा, और जैसे मैं उठता था तो लगा कुछ फंसा हुआ है तो निकलता था तो ब्लड निकलता था। यानी रात को भी ब्लड आता था, दिन को भी आता था, ये कंडीशन थी। तो दिखाने गए आप? हाँ जी, 16 में सारा सिस्टम गया तो ब्लड कम होने के जगह बढ़ते ही जा रहा था। अच्छा, तो फिर उसने कहा यानी ब्लड इनका ठीक होने की बजाय कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ने लगा, जो मेडिसिन दी आपको? हाँ जी, तो फिर मैंने 16 के बाद 32 में गया, वो एंडोस्कोपी बोला था करने के लिए, तो 16 में नहीं है, 32 सेक्टर में है हॉस्पिटल में, तो वहाँ गया। तो वहाँ एंडोस्कोपी करने के लिए उसने मना कर दिया कि इतना बड़ा जांच मैं नहीं करता हूँ, आप ENT से वाले से फिर से दिखाओ। ठीक है, ENT वाले को मैंने दिखाया, उसने क्लियर कर दिया कि गले मुंह से कुछ नहीं आ रहे, आप हार्ट वाले को दिखाओ। अच्छा, फिर हार्ट वाले के पास गया, उसने भी क्लियर कर दिया कि आपके पास TBI नहीं है, आप मेडिसिन वाले के दिखाओ। और टीवी की वजह से सोच रहे थे कि टीवी में तो हार्ट के लिए भेज रहे, ऐसा तो ना हो कि आपके लंग्स में कोई दिक्कत हो, वहाँ से इन्फेक्शन हो। फिर मेरा तबीयत काफ़ी बिगड़ता जा रहा है, तो 32 को छोड़ चला गया। ये वाले ने भी टाल मोटोल मेडिसिन वाले इतना जांच करवाया और टाइम दे दिया कि हफ्ते का हफ्ता निकलता जा रहा, मेरा चलना मुश्किल हो गया था, ब्लड कंटिन्यू बढ़ता जा रहा था। 16 से 32 तक गए, दोनों सेक्टरों में देखा इन्होंने, उसके बाद इन्होंने बड़े हॉस्पिटल में देखा। नाम तो मैं साइलेंट कर दूंगा इसमें, क्योंकि ठीक नहीं लगता किसी के नाम को जागृत करना। उसके बाद भी वहाँ भी वो 15 दिन का टाइम दे रहे, तो पेशेंट बोला कि भैया ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, ब्लड का मामला है। फिर आगे सर? फिर मैंने वीडियो भी सर्च करता रहा, तो आपका वीडियो आया, तो मेरे को पूरा विश्वास हो गया, 4-5 वीडियो देखने के बाद पूरा विश्वास हो गया। फिर मैंने अपने पूरे परिवार को कहा मैं वहीं जाता हूँ, मुझे वहीं से ठीक हो। परिवार वाले आपके मान गए? परिवार वाला नहीं मान रहा था, लेकिन मैं जबरदस्ती का, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं वहीं जाना है। मैं मोबाइल पर देखने से कहा वैसे भी होगा तो कहाँ पता है नहीं, वैसे भी जाओगे तो फिर मेरा लड़की ने लोकेशन डाला, फिर नाम पता घर तक एड्रेस यहाँ तक के पूरा पता लग गया, तब हम कहीं आप जाओ, तब एक लोग इन्होंने बोला कि यूट्यूब में तो ऐसी ही वीडियो डलती है, इनके चक्कर में मत पड़ो, आप इनकी धर्म पत्नी हो, चक्कर मत पड़ो, तो झूठियां झूठी भी होती है। हाँ, हम ऐसे ही कर रही थी। फिर आप कैसे मान गए? फिर ये लोकेशन और डाला ना मोबाइल पे, तब नंबर बता पूरा घर तक के आए यहाँ तक। हाँ, तब लगा कि भाई पूरा एड्रेस आ रहा तो कुछ ना कुछ सच होगा। हाँ, आप देखिए 20 दिन की तो बातें हैं। हाँ, इतना दिन आपने 15 दिन का नाम तो उन्होंने, तो आप 20 दिन वहीं देख लेते हैं।
तब मैं भेजी थी, तब मेरा भाई आए थे साथ में। आज आप भी इनके साथ आए हो? आज आए। हाँ, तो आप तो पूरा विश्वास हो गया ना, अब तो YouTube में गलत वीडियो नहीं बनता ना। आप जब मेरे पास आए तो आपको ब्लडिंग इतनी थी, क्या बोले कि मुंह से भी था, नाक से भी था, चलते चलते भी ब्लड आता था, चलते चलते ही ब्लड आता था। तो मेरे हिसाब से तो तकलीफ इतनी थी कि आपको भी मन में डर लग गया होगा कि भैया। और 24 घंटे में एक रोटी खाता था, वो भी पचना मुश्किल हो गया और शरीर रात को ठंडा हो जाता था, प्राण निकला। ये इन्होंने मुझे बताया था कि जैसी रोटी खाता था तो शरीर ठंडा पड़ जाता था, बिल्कुल ठंडा हो जाता, पैर बिल्कुल ठंडा। तो अब लगा लो कि कंडीशन ऐसी थी कि खाने से भी डर लगता था, कि खाने से ठंडा का मतलब जानते हो? ठंडा का मतलब तो ठंडा पड़ना, सही गर्म रहे तो ये कंडीशन की थी, एक रोटी खाने से भी डरते थे और ब्लड तो कंटिन्यू था। इन्होंने जब मेरे पास आया तो इन्होंने काफ़ी चीज़ बताया था, सोने के बाद मुंह से ब्लड आना, दिन में भी एक दो बार ब्लड आ जाता था, वजन घट रहा था, खड़े होने के बाद चक्कर आते थे, पेट में दर्द था, और ये सारी प्रॉब्लम इनकी ठीक हो गई। और इन्होंने जो मुझे 20 दिन के बाद आके मुझसे जो बातें करी, मैं पूछा तो आज कितने दिन हो गए टोटल आपको ट्रीटमेंट चलते हुए आपके? 2022 में था तो, ये तो 2022 में तो आप एलोपैथी की बात है। मेरे पास दवाई कितने दिन की? साल चौपर हो गया, एक साल हो गया जी। तो आप लोग बोलते हैं ठीक होने के बाद की वीडियो, तो आज इनकी ठीक होने के बाद की वीडियो बना के दे रहा आपको। और इनको पहले 2022 से था प्रॉब्लम, इनकी 2022 से थी, मेरे पास एक साल ट्रीटमेंट चला। और आज इनके बारे में बात करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम इनकी ठीक हुई है। इनके अलावा भी पेट का दर्द तो बिल्कुल आराम मिल गया, अब खड़े होने पर चक्कर, ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई। शरीर में पहले शरीर पहले से एक्टिव बता रहे हो आप तो। यहाँ पे ये चीज सूजन जैसा लगता है, एक यहाँ पे जब क्रश लगता है ना तब सारे तो बिल्कुल ठीक हो। ये कहते हैं कि एक ये सूजन यहाँ भी आता है, लेकिन जैसे करस लगाते हैं ठीक हो जाते हैं। ठीक है, पहले गैस बनना भी सारा बंद हो जाता टोटल। पहले रोटी खाने पर शरीर बिल्कुल ठंडा हो जाता था, अब कितनी रोटी खाते हो सर? अब 4 से 5 खा लेता हूँ और कोई प्रॉब्लम। पहले और... एक रोटी में शरीर ठंडा पड़ना, अब 4 से 5 रोटी, सच बोल रहे हैं? पहले गले में उतना खून सा था बता रहे आता था, भूख अच्छी लगने लगी है, 2 से 3 बार आप खा लेते हैं बता रहे हैं। पहले मुँह में छाले होने की वजह से मूत्र लेने पर तेज लगता था, अब नहीं लगता कुछ। एक चीज़ और बताया इन्होंने कि जो नीचे तक इनका तो ठीक हो ही गया था, लेकिन नाक से ब्लड आता ही था, आता था। तो इन्होंने बताया कि इनको जो तरीका था इनका कि उसको लेकर ऊपर सो जाते थे और गरारे मतलब वो जब करते थे तो ऊपर की तरफ लगता था, ऊपर के तो ऐसे करके करते थे पूरा, तब जाकर वहाँ पहुँचता था तो बहुत तेज लगता था। लेकिन जब वो लगा और वो लगना बंद हो गया, उसके बाद आपने बोला कि नाक से ब्लड आना भी सब कुछ ठीक है, आज की तारीख में ये बिल्कुल ठीक है और किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। कान के पास जो गांठ थी आपने बताया वो भी आपका 2 घंटे में ठीक हो गया, ये तो झूठ बोल रहे हो? नहीं सर, मैं प्रेशर डाला ऐसे, हाँ तो ऐसे निकल गया यहाँ दोनों तरफ, एक ही तरफ नहीं दोनों तरफ, ठीक है। और मैंने शाम को आया ड्यूटी से, हाँ खाना खाया और अपने बेटी को कहा तरह से लगा दे, हाँ आधा रात में कब ठीक हुआ मुझे नहीं पता। ठीक है, देखो ऐसी ऐसी वीडियो है कि वाकई में उस बातों को लेकर बड़ा संशय आता है कि क्या सत्य है क्या झूठ है, और मेरी सारी वीडियो ऐसी है। तो आज आप लोगों के सामने बन रही वीडियो पूरा, इनका एड्रेस आपके सामने है, नंबर लो और पूरी छानबीन करो। वीडियो में तो नहीं डालूंगा नंबर, क्योंकि आप सब समझ सकते हो कि मेरे को इतना परेशान करते हैं, तो फिर सच और झूठ के बारे में जानने के लिए घर तक जाएं। पेशेंट के चेहरा दे रखा है, एड्रेस दे रखा है, और भी कई बातें आपने बताई कि जैसे आपके बारे में बताया कि चाय पीते थे। तो आपने कहा आपका घुटने का दर्द था बहुत ज़्यादा कि बिल्कुल मैं मोड़ के बैठ नहीं पाती थी, घुटना का दर्द मतलब वो पैर मोड़ के भी नहीं बैठ पाती थी, और इन्होंने आपको जबरदस्ती पिलाया? ये जबरदस्ती, फिर मैं नहीं पी रही थी जबरदस्ती। मेरे को कह रहा था मार भी दोगे तो भी नहीं पिलाऊंगा, मैं फिर भी पिलाया। ये कहती है मुझे मार दोगे तब भी नहीं, क्यों पियेंगे भाई, मेरे को थोड़ी कोई दिक्कत है। वही कह रही थी मेरे को थोड़ी ना दिक्कत है, तुम्हें दिक्कत है तुम पियो, मेरे को जबरदस्ती पिलाया, लेकिन जब पीने लगी तो ये ठीक हो गया। इनके ठीक होने का कारण बता देता हूँ, चाय पीती थी आप, पीती थे ना चाय, जिन्होंने छुड़वा दी आपका, हाँ चाय तो छुड़वा दी। ठीक है, सबसे पहला कारण यही बता देता हूँ, चाय छोड़ा, अच्छा मेरी दवाई तो नहीं ली ना आपने, और आप बता रहे कि जो 12 mm की गांठ थी वो पथरी थी, 8 mm पागी, कोई दवाई का लेना देना नहीं है, और इनके घुटने का दर्द वो
ठीक है, एकदम ठीक हो गया। हाँ, घुटने का दर्द बिल्कुल। पहले कहते थे बैठ के उठ नहीं पाते थे। नहीं, पहले बिल्कुल ऐसे जैसे पंखा गिरा के बैठते हैं ना, ऐसे नहीं मोड़ पाते। अच्छा, ऐसे मोड़ नहीं पाते थे। हाँ, अब आराम से मोड़ लेते हैं। घुटने का दर्द के लिए भी काफी लोग परेशान है, देखते हो ना, काफी लोग। और इसमें ये भी बता दिया जाता है कि घुटना रिप्लेस होगा, बदली होगा। हाँ, पहले से तो आपने खटखट मारता रहता था, वो सब जो कटखट की आवाज होती थी वो भी नहीं होती। तो सर, इतना बड़ा विज्ञान जिसमें मेरी दवाई का कोई रोल नहीं, तो ऐसा चीज तो आप लोग भी जानना चाहोगे ना जी। तो ये बात बताई गई है। और एक और आपने बताया कि आप स्नान भी करते हो। पूरा सर तक लगाता हूँ बाल में, मैं साबुन यूज नहीं करता हूँ कभी। अब जब से सारा कुछ देखा तो मिट्टी नहीं लगता। आपको नहीं लगता कि पगला गए? बाथरूम पूरा गंदा हो जाता है, फिर मैं ब्रश से साफ करती हूँ। देखो, ये बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इन्होंने जान लिया है कि मैं तो नहाता ही हूँ, लेकिन मैं बोलूंगा तो आप लोग नहीं मानोगे, बोले ये तो झूठी बात है। सभी पेशेंट मेरे पास आते हैं, जो भी बताए गोबर के बारे में, आपको बता दूँ इतना बड़ा विज्ञान है, क्योंकि इसको अगर आपको बता दिया गया तो हम लोगों का धंधा गया। स्किन की कैसी भी प्रॉब्लम बड़े आराम से ठीक कर सकते हैं, कर सकते हैं ना जी। आपने क्या क्या आपको? मेरे को यहाँ पे वो खुजली हमेशा होता था, और मैं वो लगाता हूँ बड़ी अच्छी तरह से, तो वो खत्म बिल्कुल। आप लोग, इनके बारे में बताऊँ, ये जो जांग लग जाती है, देखा ना आपने, कई बार क्या होता है कि बारिश के टाइम पे कच्चा, भाई कितना लोगे? और अब की बार तो ऐसी बारिश हुई थी, पता नहीं दो दो घंटे में हो जाती, कितना लाओगे खरीद के? तो गीला पैर लेते हैं और वो जांग लग जाती है। और कितने साल से थी वो? करीब 8-10 साल से होगा। 8-10 साल से था, और वो काला काला स्किन हो जाता है, लगा लगा के गार्ड परेशान हो जाते हैं। पता नहीं क्या क्या लगाया, अब कुछ भी नहीं हो रहा। दवाई लगाती थी मैंने, सब लगा के देख लिया था, कुछ नहीं हुआ। कितने दिन में ठीक कर दिया सर? हो गया 10-12 दिन में ठीक हो गया। 10 साल की बीमारी बता रहे हैं, और 10-12 दिन और क्या लोग गालियां भी देते हैं। देने दो, जिनको देनी है देने दो। हमने तो आपको, मैंने तो दवाई का नाम नहीं लिया ना मेरे, तो मैं तो नहीं बोल रहा ना कि मेरी दवाई से ठीक हुए। इन्होंने सिर्फ लगा के अपने बीमारी को 10 दिन में ठीक कर लिया, 10 साल की बीमारी। तो सर, आगे आप अपने घर के अंदर तो एक बोर्ड लगा सकते हो, स्किन स्पेशलिस्ट बस, और पैसा चार्ज करो। क्यों नहीं लगाओ जी? अब बताओ 10 साल में कितना पैसा लगाया सर इसके लिए? इसके लिए तो हॉस्पिटल में तो बहुत लूटा, 30-35 हज़ार रुपये में खर्च, जान जांच में दे दिया, और उसके बाद यहाँ ठीक हो, बिना दवाई के ठीक हो गए। 30-35 हज़ार तो सिर्फ जांच जांच में दे दिया, दवाई का भी नहीं पता कितना खाई होगी उन्होंने 10 साल में, किसको याद होगा जी। ठीक है, दवाई कहीं दे ही नहीं रहते हॉस्पिटल में, सिर्फ जांच ही दे रहे हैं, ये टेस्ट करा, टेस्ट में पैसे खींचे। पहले 16वीं ENT कराया, फिर वो 32 वाले में निवाना, फिर से ENT कराया। आप ये समझ सकते हो, 16-32 करने में तो कई दिन निकल गया था, कई दिन निकल गया, चला गया वो भी ऐसे। आज इनको कोई भी पेशेंट नहीं बोल सकता। और वजन कितना बढ़ा सर? करीब 10-12 किलो बढ़ा था, पहले घट रहा था, पहले बहुत 75 मेरे को 74 किलो हो गया था, अब 83 हो गया। ठीक है जी, ये कैसे होता है कि कई बार क्या होता है कि माइंड में भी एक डर बन जाता है, और ब्लड काउंटिंग ऑटोमेटिक है कि शरीर कोई कहीं ना कहीं ब्लड बना रहा है, वो सारा निकल रहा है, और ब्लड कंटिन्यू निकल रहा था, बॉडी भी इरिटेट रहता है। आज ये विज्ञान के बारे में सुन के लोगों को बड़ा अफसोस हो रहा है कि अगर आयुर्वेद ऐसे रोज़ वीडियो डालने लगा तो भैया उनका क्या होगा। ठीक है, मैं ये बोलूँगा उनके भी परिवार है, उनको भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस विज्ञान को लेकर ये भी काफ़ी दवाइयाँ अच्छे से डॉक्टर को दिखा चुके थे। इन्होंने पैसे की वजह, अरे जान पर बनाई थी तो पैसे के पीछे नहीं हटे थे, ज़मीन बेचना पड़ता तो भी बेच देते, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं मिल रहा था। 15 दिन के लिए वहाँ भी जाके बड़े हॉस्पिटल बोल दिया कि आपको 15 दिन के बाद, अरे तो भाई रोज़ मेरा ब्लड निकल रहा, रात को भी निकल रहा, दिन को भी निकल रहा, चल रहा तो भी निकल रहा, तो कुछ तो समाधान ढूंढो। तो वीडियो में सर्च करना शुरू किया, और मेरी वीडियो में एक सच दिखता है, और सच देख के मेरे पास आए, और आज इनके बिल्कुल ठीक है। और आज इन्होंने जो खुलासे किए, सबसे बड़ा विज्ञान बताया है गौ माता का। आज गौ माता ने अगर आपके पास आसपास हैं, और वो भी देसी, उसमें सर जो जिससे मैं गौ लेता हूँ, उस लड़के ने 2 दिन क्या क्या देसी जर्सी गाय का गौ दिया, उससे क्या हुआ, 2 दिन बढ़ गया। क्या बढ़ गया?
जैसे धड़कने जो कंपन होता है सारा कुछ बढ़ गया। फिर मैंने वो सारा वो बढ़ गया, तो उस लड़के को बोला कि यार मेरे सामने वो देसी गाय का तू पता नहीं कहाँ से उठा कर दे देता है। इन्होंने कंपेरिजन बता दिया, गलती से उसने जर्सी का मूत्र दे दिया और इनकी बीमारी बढ़ गई, धड़कने हार्ट बीट भी बढ़ गया। अब ये कंपेरिजन इन्होंने खुद दिया जी, और यही बार 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 बता रहा हूँ, कई लोगों को पता ही नहीं होता है और वैसे ही ले आते हैं। तो इनके पास आप भी अगर ऐसी गलती कर रहे हो जिससे भी आप लेने जा रहे हो, हम दोनों आदमी जाते हैं एक कट्ठे तो और सामने लेते हैं, मैं भी वो भी एक ही गौशाला से लेते हैं, तो ये भी उन्होंने भी एक ही मैं सामने लेते हैं, मेरे सामने दे, सामने दो जी ठीक है। पैसा लेना ले, मैं आज कहता हूँ कि देखो गौशाला वाले भी जो भी आज आपको पता है आप की कीमत नहीं होती, क्यों नहीं होती, गौ माता दूध से भी महंगी है, दे रहे हैं 50 रुपये का एक दिन में दे रहे हैं, ये हुई बात 50 रुपये लीटर तो दूध भी नहीं है आज, ये कितना लेके आते हो? मैं तो पूरी मटका मटका भर के उबालना होता है हल्दी डाल के, गरारे करना था तो मैं पूरी मटका मिट्टी का बर्तन, यानी एक लीटर 50 रुपये का एक लीटर हो जाएगा ना, तो आज सही है जी। अब तो गौ माता की कीमत बढ़ गई ना, आप भी घर में लाओ और देने के लिए कोई आता है तो 50 रुपये मांगो भाई, क्योंकि इतनी बड़ी समस्या ठीक हुई तो 50 रुपये तो सस्ता है जी आपका, बिल्कुल सस्ता है। क्या है जी? बिल्कुल सस्ता है क्योंकि ये तो दवाई से बढ़िया तो ये है। गांव में तो गाय खरीद लिया, मैंने गांव में खरीद लिया 50 रुपये लीटर खरीदेंगे इससे अच्छा गाय खरीद लेते हैं, ये तो अच्छी बात है, वहाँ जाने का नहीं है ना, रोज जाना कभी दे कभी ना दे, वो सही बात है। गांव में गया था जी, लोग पड़ोसी ने मना कर दिया कि पता नहीं गौमूत्र को क्या करेगा, टोना टॉप पर गया तो उसने मना कर दिया, फिर मैंने गाय खरीद लिया। सच है जी, मैं तो कहता हूँ जिसके पास गाय मत दो, लाओ कहीं से लाओगे, और जो शहर में रहते दिल्ली वाले हो राजस्थान चले जाओ अपने घर, अब तो ठीक है ना भाई, मुझे पता है दिल्ली में कोई बसात नहीं है, कहीं ना कहीं से लोग अपने बिजनेस से व्यापार के लिए जा रहे हैं, तो भैया मैं कहता हूँ कि लोग शहर की तरफ जो जा रहे हैं ना, अब चलो गांव की तरफ, जो प्रॉपर शहर के होकर रह गए तो हमारी तो प्रॉपर्टी है नहीं, हम वो हॉस्पिटल के, अरे हॉस्पिटल फिर भूखे ये डॉक्टर कहाँ जाएंगे बताओ, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री ली, इतने बड़े बड़े इन्होंने जो खड़ा किया वो आप ही लोगों को भरोसे किया जी, इसी गांव में देखेंगे फिर कहीं। मेरा मानना है कि हम स्वस्थ रहेंगे तभी बात बनेगी, मैं ये नहीं चाहता, मैं किसी का बुराई भी नहीं कर रहा और हॉस्पिटल के बारे में बुरा भी नहीं बोल रहा। देखो अगर आपको ब्लड की ज़रूरत है तो भाई जाना पड़ेगा, आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है जाना, देखो मजाक की बात अलग है लेकिन जो सीरियस बात है, लेकिन कितने 20% प्रॉब्लम के लिए आपको हड्डी टूट गई जाना पड़ेगा, लेकिन 80% प्रॉब्लम आप अपने घर में ठीक कर सकते हो, मानते हो ना, इतने हॉस्पिटल में इतने पेशेंट है कि नीचे धरती पर सोए हुए, जगह नहीं है, बेड नहीं है और डॉक्टर भी नहीं है इतने कि देख पाएंगे, वो भी परेशान है। तो मैं तो चाहता हूँ कि बड़ी बड़ी बीमारी के लिए आप उनके पास जाओ, मना नहीं कर रहा, लेकिन जिस बीमारी को लेकर ये ग्रसित थे वो बड़े आराम से ठीक हो गया, तो इसको बड़ी बीमारी नहीं बोलेंगे। मेरे जितने भी पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं सबके 20 डेज वीडियो देखने के बाद आप लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं झूठ तो नहीं है, घर तक पहुँच जाओ, पूरा एड्रेस दिया घर तक पहुँच जाओ, इनके पूरे रिपोर्ट भी रखे होंगे, उसको डिस्पोज मत करना। नहीं वो आपका वीडियो भी है पहले वाला कौन सा देखो कैसा वीडियो, मतलब आपने मेरा वीडियो देखा था मेरे साथ बनाए भी थे वो एक, भी अच्छा एक वीडियो पहले ही बना था, पहले भी बना, तो इनकी दो वीडियो है जी, दोनों ही इसमें अटैच कर देंगे, लेकिन आज इनके एक साल के बाद जो वीडियो बना रहे हैं आपको ही देखा आपने वीडियो इनका, हाँ तो आज दूसरी वीडियो इनके साथ ही लगा देंगे क्लिप में। मैं चाहता हूँ कि जिस विज्ञान को आपके सामने रखा जा रहा है वो विज्ञान ऐसा है कि आज गौ माता को लेकर आप लोग ये समझो। अच्छा अच्छा ये वीडियो इनकी डली हुई है, ये 20 दिन के बाद इनकी वीडियो डली हुई है, मेरा ये मानना है कि देखो ये वीडियो डाल देंगे जी। अच्छा अच्छा ये डली हुई है ठीक है, कुछ मैं ये चाहता हूँ कि जो भी लोग आज गौ माता से दूर है वो अब चले जाए। देखो बहन जी दिल्ली में भी गौशाला है ठीक है, तो आप वहाँ जाके भी एक गाय के समर्पित हो जाओ, उसका पूरा खर्चा बोलो, उसका नाम रख लो कि भाई एक साल में इसका जो भी खाना पीना है वो दूंगी, या तो पूरा डॉक्टर का खर्चा उठा लो क्या गाय को उठा लो, और जिस विज्ञान को लेकर आज आपके सामने वीडियो बन रही है, इस समय तो ये चरम रोग की आपको पता विशेषज्ञ तो आप भी बन सकते हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज एक गाय आपके जीवन के अंदर होनी चाहिए, महिला है तो एक गौ माता और पुरुष है तो एक नंदी, क्योंकि अगर देसी गाय को बचाना है तो नंदी का होना आवश्यक है, क्योंकि गाय का गर्भधारण अगर इंजेक्शन से टीके से हो रहा है तो में वो चीज आपको नहीं मिलेगा जिस चीज से आपको रिकवरी मिले, तो अगर दोनों हैं तो उससे जो उसकी संतान होगी वो विलक्षण किस्म की होगी, जो कि आने वाले समय में आपके बच्चों के लिए भी वो चाहिए,
तो हम अपने बच्चों को क्या देके जा रहे हैं? आपने देखा दिल्ली के अंदर कचरे का पहाड़, हमारे पूर्वज ने क्या दिया था? कचरे का पहाड़ दिया था क्या? आप अपने बच्चों को क्या देके जा रहे हो? देखा है ना कितना बड़ा पहाड़ है, किसने बनाया? तो फिर अपने बच्चों के लिए आप देसी गौ माता की व्यवस्था, उसको बोल के जाना कि बेटा हमारी गाय गौशाला में है, जिस समय हमारे पास जमीन की व्यवस्था हो जाएगी हम उसको घर ले आएंगे। इतनी हमने दिया था खर्चा, आप हमें दे दो। तो गौशाला में आप देखो दिल्ली में कितने लोग हैं और कितनी गौशालाएं हैं और कितनी गाय हैं, गाय से ज़्यादा ही हो ना आप लोग। तो बस, तो फिर होगी ना समस्या। मैं नहीं कहता कि शहर वाले को भी गांव में ही भागना पड़ेगा, मैं कहता हूँ व्यवस्था खड़ी करो। मैं ये चाहता हूँ कि जिस बीमारी को लेकर आप मेरे पास भाग रहे हो इसका इलाज कहीं भी नहीं है, ये भी जान रहे हो, और मेरे पास इसकी दवाई भी नहीं है। बोला था ना सर, मेरे पास इस बीमारी को लेकर कभी मत आना, मेरे पास दवाई नहीं है। कह लो जी आपके पास पेशेंट जो आ रहे हैं वो पता नहीं कैसे ठीक हो रहे हैं, मैंने तो शरीर को ठीक करने के लिए दिया था। मेरी जो आप जिसको दवाई बोल रहे हैं जी, वो आपके शरीर का एक भोजन है, ठीक है, इस भोजन को लेकर आप ठीक हो रहे हो। मैंने किसी भी तरह से बीमारी को लेकर मेरे पास कोई दवाई नहीं है। आप बोलोगे सिर का दर्द की, नहीं है, डायबिटीज़ के लिए नहीं है, बीपी के लिए नहीं है, जिस बीमारी को लेकर आप लोग मेरे पास घूम रहे हो कैंसर के लिए, कुछ नहीं है, शरीर को ठीक है। जैसे आप दूध पीते हो, किस लिए पीते हो? कैल्शियम की कमी आपकी बॉडी में तो नहीं है, फिर क्यों पीते हो? इसका मतलब उससे कैल्शियम बढ़ना चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना। तो ऐसी औषधि है जिसको लेने के बाद आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, और सारी औषधियाँ गौ माता से बनी हुई है, गौ माता के दूध से, उसके से, उसके गोबर से, मक्खन से, छाछ से, ठीक है ना। उसमें कुछ अपने जो होते ना अपने खेतों में, जैसे आपने देखा सांटी, सुना है ना, ऐसी चीज़ों को मिलाकर एक नया विज्ञान रखा गया है जो आपके सामने तैयार रहेगा। आने वाले समय में आप इसको सीखना चाहते हैं, मैं सिखाने को तैयार हूँ, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और विज्ञान को लेकर सीखने के लिए आपको डिग्री चाहिए, वो मेरे पास नहीं मिलेगी, तो किस लिए सीखें? अपने लिए, कि मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप स्वस्थ रहें, हमें औरों से मतलब नहीं है। तो ये विज्ञान हर लोग जानते थे पहले दादी माँ के नुस्खे के नाम से, अब उसको बोला गया और उसको कर दिया गया बंद। अब दादी माँ के नुक्ते कोई नहीं सुनना चाहता, छोटी सी भी प्रॉब्लम हुई तो फटाफट फ़ोन करोगे अपने पति को, जल्दी आना शाम को, बच्चे को हॉस्पिटल लेके चलना। पहले क्या होता था, पेट में दर्द होता था तो हमारी दादी माँ जायफल की हर्ड की घुट्टी देती थी, क्या सुना आपने? अगर मैं आपको जायफल 5-7 औषधियों के साथ मिला के दे तो आप निकाल भी नहीं पाओगे। तो नई जनरेशन ने क्या किया, सब नष्ट किया। आपको फिर से सीखने की जरूरत पड़ेगी, अपने दादी माँ से, अपने बुजुर्गों से, अपने आस, अपने घर में भी नहीं है तो अपने आस पास लोगों से पूछो, आप पूरा विज्ञान जान पाओगे, और नहीं है तो फिर हम सिखाने को तैयार हैं। अब तो ठीक है, तो ऐसी संस्था मैंने बना दी है, पंचगव्य आरोग्य केंद्र के नाम से मैंने एक संस्था बनाई, यहीं से 8 किलोमीटर दूर पर, ठीक है, कलवाड़ी गाँव है, पूरा लोकेशन मिलेगा। 21 नवम्बर को उसका शिलान्यास है, आप लोग पधारो। मैं भी चाहता हूँ कि आने वाले समय में आपके बच्चों को वो सिखाने की व्यवस्था है, केंद्र है, किसी हॉस्पिटल नहीं है। हॉस्पिटल का तो मुझे डर लगता है जी, और डॉक्टर से भी, तो मैं दोनों कॉन्सेप्ट बता दिया, मैं डॉक्टर दिखता हूँ क्या, ठीक है, वो हॉस्पिटल भी नहीं है। तो हॉस्पिटल का नाम नहीं रखना है हमें, एक केंद्र है जिसमें आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो चीज़ आपके अपने रसोई घर के लिए चाहिए, जिससे आप स्वस्थ रह सको, ठीक है। और डॉक्टर कौन, इस समय ये स्किन स्पेशलिस्ट है, सच्चाई है ना सर, ये तो समस्या ठीक कर सकते हो ना जांग वाली, तो बिल्कुल, अरे 10 साल पुरानी बीमारी ठीक करिए, तो ये डॉक्टर है। तो इनके पास भी आपको जाने के लिए इनका चेहरा दे दिया, ये आपको बड़े आराम से ठीक कर सकते हैं। और हर वो सिर्फ इससे भी नहीं होगा, आप ही ना समझे, इनको ये जो दिनचर्या बताएंगे आपको वो जरूरी है, आराम मिल जाएगा, लेकिन फिर प्रॉब्लम होगी, तो ये पूरा चीज़ जानते हैं, कब उठना, कब सोना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, वो पूरा बताएंगे। तो उसकी जो फिर चार्ज करेंगे वो ये करेंगे, ठीक है जी। तो बहुत बहुत खुशी हुई जी आपके साथ बात करके, ठीक है, नमस्ते।